नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखेंगे। तो आज के सेशन में देखते हैं किस किस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ें, हमने इसमें दे रखा है, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप एग्जाम टारगेट अकेडमी से भी जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब चैनल आपको जानते ही हो एग्जाम टारगेट अकेडमी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड सरकार ने निम्न में से किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी अजय देवगन, ऑप्शन डी टाइगर श्रॉफ। तो इसका सही जवाब है अक्षय कुमार। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्होंने अक्षय कुमार के सामने प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है, आने वाली पीढ़ी को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ ही नशे से दूर रहना होगा। वे युवाओं में देशभक्ति की प्रेरणा जागृत करने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, BR चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले निम्न में से किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए पंकज री, ऑप्शन बी नीतीश भारद्वाज, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार सोबती, ऑप्शन डी फिरोज खान। तो इसका सही जवाब है प्रवीण कुमार सोबती। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, BR चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले जाने माने अभिनेता प्रेमिका सोबती का निधन हो गया। वे 74 साल के थे। प्रेमिका महाभारत सीरियल के अतिरिक्त कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस को प्रभावित कर चुके हैं, लेकिन वे महाभारत सीरियल में भीम का किरदार निभाकर घर घर में प्रसिद्ध हो गए। उन्हें भीम के किरदार में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। प्रवीण को उनकी शानदार कद काठी के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद अब नर्मदापुरम और टीकमगढ़ जिले के शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। साथ ही प्रख्यात पत्रकार और कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बावई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने नाम बदलने की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने से हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर, या ऑप्शन डी 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हाल ही में पाकिस्तान के 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बुनियादी ढांचा परियोजना में शामिल होने को लेकर पाकिस्तान ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान पर चर्चा की थी। यह पाकिस्तान और चीन के बीच द्विपक्षीय परियोजना है। इसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को के साथ साथ राजमार्गों, रेलवे, पाइपलाइंस के नेटवर्क द्वारा पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 5, न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर में विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल कितने आपराधिक मामले लंबित थे? ऑप्शन ए 3,984, ऑप्शन बी 4,984, ऑप्शन सी 5,984, ऑप्शन डी 7,984। तो इसका सही जवाब है 4,984, ऑप्शन बी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 को देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल 4,984 आपराधिक मामले लंबित थे।
न्यायमित्र को सर्वाधिक सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु विशेष अदालतें स्थापित करने में सहायता के लिए नियुक्त किया गया था। न्यायमित्र वह व्यक्ति होता है जो किसी मामले के पक्षकार नहीं होता तथा जो मामले में मुद्दों पर असर डालने वाली जनाधारी विशेषता अंत्येष्टि प्रदान करने के अदालत की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरा होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी? 100 वर्ष, ऑप्शन बी 50 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 80 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 50 वर्ष। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है। 4 फरवरी 1922 को इस शहर में एक हिंसक घटना हुई। किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920-22 को वापस ले लिया था। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अच्छा ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग किस वर्ष 1.32-1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है? ऑप्शन ए वर्ष 2040, ऑप्शन बी वर्ष 2050, ऑप्शन सी वर्ष 2060, ऑप्शन डी वर्ष 2030। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ष 2030। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार अच्छा ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग वर्ष 2030 तक 1.32-1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है। यह वृद्धि 955.26 मिलियन टन की मौजूदा 2019-20 मांग की 63% है। केंद्र सरकार ने कोयला खनन निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है और इसे अपने सबसे महत्वाकांक्षी कोयला क्षेत्र में सुधारों में से एक के रूप में दावा किया है। क्वेश्चन नंबर 8 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। बीसीसीआई अध्यक्ष के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला निम्न में से किस जगह रखी है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही जवाब है जयपुर। बीसीसीआई अध्यक्ष पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला जयपुर में रखी है। करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस क्रिकेट स्टेडियम के साथ 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत में ही है। सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। इसकी क्षमता 1.10 लाख दर्शकों के साथ बैठने की है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में है। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता 90,000 दर्शकों के बैठने की उम्मीद है और यह अब जयपुर में बनने जा रहा है। आरसीए का ये स्टेडियम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर चैनल को नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।